जुड़ी रहे तुझसे हर एक साथ। नमस्कार दोस्तों, टोटल इंटरटेनमेंट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पल पल दिल के पास मूवी के टोटल 6 दिनों के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इंडिया में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 6 दिनों में कितना हुआ है और वर्ल्ड वाइड में टोटल 6 दिनों में कलेक्शन किया हुआ है। यदि बात हम कलेक्शन के कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके बजट के बारे में बात कर लें। इसका बजट जो मूवी का है टोटल है 28 करोड़ रुपए और ये मूवी रिलीज होने से पहले 29 करोड़ रुपए कमा लिए है। यानी 20 सितंबर से ये मूवी पहले रिलीज होने से पहले ही 29 करोड़ रुपए कमा लिए, यानी 1 करोड़ रुपए ज़्यादा प्रॉफिट में आ गई है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे मूवियों का होता है कि कुछ मूवी रिलीज होने से पहले अपने राइट्स बेचते हैं, जैसे कि अपना डिजिटल राइट्स बेचते हैं, सेटेलाइट राइट बेचते हैं और म्यूजिक राइट बेचते हैं। ये सब राइट्स बेच करके अपना जो है कि प्रोड्यूसर अपने पैसे जो है कि अपने अंदर कर लेते हैं। तो हम आपको जैसे बताएं, डिजिटल राइट्स में ये टोटल 10 करोड़ में बिची है, G5 ने खरीदा हुआ है। और सेटेलाइट राइट की बात करें तो यानी टीवी पे दिखाने की बात है, जो टीवी पे दिखाया जाता है उसको सेटेलाइट राइट बोला जाता है, वो 12 करोड़ में बेचा गया है इस मूवी को। और इसकी म्यूजिक यानी इसके सिर्फ ये गाने के ऊपर ही ये मूवी चल रही है। गाने काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, इसके सीन भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो ये गाने जो है जी म्यूजिक ने इसे खरीदा हुआ है 7 करोड़ में। तो टोटल ये यानी 10 12 और 7 टोटल 29 करोड़ रुपए इसने पहले रिलीज होने से पहले कमा लिया। अगर दोस्तों हम फर्स्ट डे की बात करें, टोटल इंडियन में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन इसने 3.70 लाख रुपए इसने कर लिया था और वर्ल्ड वाइड में 5.50 करोड़ रुपए का इनकम कर लिया था पहले दिन। और दूसरे दिन की अगर बात करें तो 4.20 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड की बात करें दूसरे दिन की तो 5.50 करोड़ रुपए इसने कर लिया था। तीसरे दिन यानी संडे के दिन यानी ज़बरदस्त कलेक्शन जिस दिन देखने को मिला, वो टोटल ग्रॉस की अगर बात करें तो 6.10 करोड़ रुपए संडे को मिला था इसका पूरा इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 7.50 यानी 7.50 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन की थी। और चौथे यानी मंडे की बात करें तो मंडे को सारी मूवियों का जो है कि कलेक्शन थोड़ा डाउन हो जाता है, कलेक्शन गिर जाता है क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वर्किंग डे हो जाता है मंडे से, इसलिए थोड़ा सा उसमें डाउन देखने को मिला था। इंडिया में वर्ल्ड वाइड सॉरी इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन अगर देखा गया तो वो 1.8 यानी 1.80 करोड़ रुपए देखा था, वर्ल्ड वाइड में है 3.10 लाख रुपए। और पांचवें दिन जो रहा वो 2.10 करोड़ रुपए और छठे दिन जो कि काफ़ी थोड़ा और गिर गया था। और अगर पांचवें दिन के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की बात करें तो 2.90 करोड़ रुपये था, छठे दिन में 1 करोड़ से कम था, 80 लाख रुपए था मात्र छठे दिन के कलेक्शन में। और वर्ल्ड छठे दिन के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की बात करते 1.50 करोड़ रुपए थे। तो ये थे दोस्तों इसके 6 दिनों का टोटल कलेक्शन, ये था मूवी का। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस मूवी को काफ़ी जो है कि क्रिटिक्स ने भी नहीं इसे रिव्यू नहीं दिया था और लोगों का भी रिव्यू कभी मिला था। और 4 मूवियों के बीच में रिलीज थी, यानी 2 मूवी पहले से चल रही थी जैसे कि ड्रीम गर्ल और छिछोरे सुपर हिट पहले से चल रही थी। और उसके साथ साथ में संजय दत्त की मूवी प्रस्थाना में रिलीज हुई थी 20 सितंबर को और जोया फैक्टर भी रिलीज हुई थी सोनम कपूर को, इसलिए इसे थोड़ा सा कम स्क्रीन मिला था। लेकिन तो जोया फैक्टर और प्रस्थानम को संडे के बाद से बिल्कुल मार्केट में यानी सारे सिनेमा में 70% ही मात्र रहे, मतलब गिर गई थी वो, मतलब 70 से 30% रह गई थी। और मूवी ये अभी धड़ल्ले से चल रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।